जो क्वेरीज आपकी आई हैं, इसमें एक क्वेरी आई थी कि आधार कार्ड को कि दोनों साइड हम एक ही बार में कैसे स्कैन कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा स्कैनर है तो वो स्कैनर कौन सा है और उसके स्पेसिफिकेशन कौन से हैं। तो प्रवीण कांबो सर से मैं पूछना चाहूँगा कि वो स्कैनर कौन सा है और अगर है तो हम कैसे उसको स्कैन कर सकते हैं। देखिए विशाल, इसमें डुप्लेक्स स्कैनर यूज़ होता है और वो स्कैनर आपको HP, कैनन इन दोनों कंपनियों में, जो कि मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं स्कैनिंग और प्रिंटिंग में, उसमें दोनों में अवेलेबल है। वो डुप्लेक्स प्रिंटर के नाम से ही आते हैं, उसमें मॉडल अलग अलग होते हैं, ये सब पॉसिबल उसी में ही होता है। यानी केवल डुप्लेक्स स्कैनर में ही या प्रिंटर में ही हम लोग काम कर सकते हैं जी। अधिकतर ये कहा जाता है कि जैसे हम लोग क्या नाम है आधार कार्ड को कॉपी करना होता है, एक बार में ही दोनों साइड स्कैन करें, क्या इससे कर सकते हैं आराम से? हाँ, उसमें यह है कि प्रिंटर के अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का और स्कैनर भी उसके साथ जो हो वो डुप्लेक्स स्कैनर ही हो। मुझे उम्मीद है हमारे जो व्यूवर ने ये क्वेरी करी थी उसको एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी करना चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका हम सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें प्रिंटर ऐसे भी आते हैं कि जो सिंगल वन टाइम जो है स्कैनिंग करते हैं, लेकिन उसमें प्रिंटिंग डुप्लेक्स होती है। ओके। तो इसमें दोनों में इसमें पर्पज आपका सॉल्व नहीं होगा, इसमें स्कैनिंग भी डुप्लेक्स चाहिएगी और प्रिंटिंग भी डुप्लेक्स। यानी आपका मतलब है कि अगर हमें दोनों साइड स्कैन एक बार में ही करनी है तो हमें प्रिंटर और स्कैनर दोनों ही डुप्लेक्स चाहिए होते हैं। उम्मीद है सर आपको एक क्वेरी का आंसर मिला होगा, क्योंकि ये क्वेरी हमसे बहुत सारे लोगों ने करी है कि एक बार में ही दोनों साइड की स्कैनिंग कैसे करें। तो आज उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।